So let's just start from a very brief introduction to myself. My name is Mohammed Hassan Mustafa, and I'm a final year student at NUST EME College. And I did my internship in HIT in 2021, August to September. And I also did two internships as well, one in a robot maker lab in my university and one with PepsiCo as well. So let's just dive into the presentation and today's agenda, and then we will having a Q&A session as well. So basically, let's start with the what is the main agenda of today's session. I will be covering some of the most important and the questions jo students ko basically hote hain. HIT basically hai kya, how I got into internship and the procedure, jo induction process hai unka. ठीक है, एंड देन वी विल बी डाइव इनटू व्हाट आई डिड इन माय इंटर्नशिप और उसके प्रोज एंड कॉज क्या हैं, क्योंकि बेसिकली इट्स एन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे काम चल रहा होता है, तो सो दैट्स व्हाई वी विल बी सीइंग दैट पार्ट ऑफ द लाइफ एज वेल, कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर इंटर्नशिप्स कैसी होती हैं और उसके अंदर लाइफस्टाइल कैसा होता है एंड ऑल ऑफ दैट. And then we will be dive into the what will the purpose of your internship and how you spend your internship time in this type of industries. So let's just see the brief introduction from their website as well. So ye ek acha tarika hoga ki hum website se hi dekh le basically inka procedure kya hai aur ye karte kya hai. Ali, meri screen visible hai website wali? Just confirming के मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ तो so everyone can relate to me. Ali और Talha. Yes sir, what happened? Sorry, there was internet connectivity issue. My screen is visible to you. Well, yes, your screen is visible. HIT website is showing. All right, thank you so much. So everyone, this basically HIT is heavy industry Tesla, located in Vaughan, Tesla. Basically it's an government organization that's working with collaboration with army. So it's a 50-50% jo hota hai, basically army bhi wahan kaam karti hai and civil log bhi kaam karte hain. So wo milkar collaboration ke sath basically kaam kar rahe hain. To jo inki top ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जेक्टिव लेवल्स की जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें बॉडी है एग्जेक्टिव लेवल की, वो बेसिक सारी आर्मी की ही होती है और उनके लेवल के ही सिविलियंस भी काम कर रहे होते हैं. जो मतलब मेन वर्कर्स होते हैं, जो टेक्नीशियन टाइप है, वो सारे सिविलियंस हैं और उससे ऊपर इंजीनियर्स भी बेसिकली इसके अंदर सिविलियंस भी हैं प्लस आर्मी के लोग भी हैं. सो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली गवर्नमेंट की है. तो बेसिक ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आर्मी को बाय मेकिंग दीज टैंक्स. तो वहां पर जो आपने बचपन में सुना होगा, एक अल खाली टैंक है हमारे पास, एक अल जरार है जो बेसिकली दैट शोइंग द स्क्रीन एज वेल. और इन ये टैंक्स वगैरह वहां पर बेसिकली बनते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉम द स्क्रैच टू द फुल टैंक, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग और ये सारा कुछ वहां पर होता है. और अलॉन्ग विद दैट ये टैंक्स वगैरह, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ प्रोटेक्टेड इनकी व्हीकल्स भी हैं, जिस तरह की ये मुहाफिज होती है और ये सारी जो व्हीकल्स हैं और टैंक्स वगैरह ये सारे भी हैं. तो इसमें बेसिकली ये होता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैवी इंडस्ट्री टेस्ला बेसिकली एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कुछ कंपनीज, कुछ यूँ कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज आती हैं अंदर ही. एक रीबिल्ड फैक्ट्री है जहाँ पर यूज हुए हुए टैंक्स और यूज हुए हुए व्हीकल्स आती हैं जो उनको रीबिल्ड करते हैं, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पर ये फ्रॉम स्क्रैच टू द फुल मैन्युफैक्चर टैंक्स बनाते हैं. तो मेरी इंटर्नशिप जो थी वो बेसिकली टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर थी, जहाँ पर मैंने सारा एक प्रोसेस देखा फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, के आप एक अगर टैंक बनाना है तो कहाँ से वो स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाके वो फुल कम्प्लीट टैंक बन जाता है और उसकी टेस्टिंग होती है. तो ये सारा मतलब HIT के बारे में था. लेट्स जस्ट सी के इनका आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है. तो इन सिंपली आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. एक तो आप वेबसाइट पर जाके, ये देखिए यहाँ पर अप्लाई फॉर इंटर्नशिप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट योर
प्लेसमेंट ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने किया था बेसिकली कि हमारे नस प्लेसमेंट ऑफिस वालों ने हमें बताया था कि यहाँ इंटर्नशिप्स आई हुई हैं, और फिर मैंने उसका एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो करके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड हैं वो मैंने सेंड किए, और आई गॉट द इंटर्नशिप। तो मैं ये बताता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, बस शॉर्ट सा बता देता हूँ इसके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और वो सारी चीज़ें वो आप यहीं से निकाल सकते हो। जब आप इसमें क्लिक करोगे अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, तो यू विल बी कमिंग इन टू दिस वेबसाइट जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर हैं। तो इसमें 3-4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो थोड़ा सा ये और थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल काम करते हैं वो वहाँ पर, तो थोड़ी सी इनको मतलब वो कि पुलिस से भी आपने अपना वो वेरिफिकेशन करवानी है कि आपका कोई सॉर्ट ऑफ आपका मतलब कहीं पंगा शंगा ना चल रहा हो, ठीक है। और उसके अलावा बस यही है कि आपने अपने पेरेंट्स से साइन वगैरह करवाने होते हैं और ये चीज़ें। अच्छा, पहले में ये है कि यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे ये पूछते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर उसके बाद आपको अपनी CV देने की जरूरत नहीं होती, ये आपको ये डॉक्यूमेंट ही देते हैं, इसके अंदर ही आपने सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपका सॉफ्टवेयर जो आते हैं आपको, इसमें ये है कि आप अच्छे से सॉफ्टवेयर जो आपको आते हैं वो जरूर लिखें इसके अंदर। सॉलिडवर्क्स क्रियो वो यहाँ वहाँ पर यूज़ होता है उसको जरूर मेंशन करें, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल साइड, तो आप क्रियो को जरूर मेंशन करके, क्योंकि क्रियो से वहाँ पर बैठ के वो डिजाइनिंग होती है। अच्छा, उसके बाद सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आप ऐड करें, अदर प्रोजेक्ट्स जरूर ऐड करें ताकि आपको वो पता लगे कि ये थोड़ा सा वो स्टूडेंट नहीं है जो बस सेमेस्टर तक रहता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपने किए हुए। और उसके बाद ये वाला जो है ना, ये सिक्योरिटी क्लियरेंस परफॉर्म होता है जो आपने ये लिखा हुआ है एरिया नाजिम से या फिर पुलिस इंचार्ज से करवाना होता है, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली वहां से उससे साइन करवाना है। और उसके बाद एक ये चीज है जो अंडरटेकिंग एग्रीमेंट है कि इसमें वही बस HAT के अंदर आप रहेंगे तो आपने कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं करनी और ये सारी चीजें इसमें मतलब इनके होते हैं, एग्रीमेंट वगैरह होता है, इसको आपने स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवा कर इसके ऊपर साइन वगैरह करने हैं सारा कुछ, और ये ऑथ कमिश्नर होता है उसके साइन करवाने इस पे। एंड देन ये वाला आपने अपने फादर और मतलब गार्डियन से आपने अपने साइन करवाने, तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करके उनको सबमिट कर देते हैं ना, ये आपने फिर एक मार्गला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका वहां पर अंदर ही एक यूं समझो कि एक HR का डिपार्टमेंट है जिसको मार्गला वो कहते हैं, वहां पर उसको सेंड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट अगर आप सेंड कर देते हैं विद टाइम, तो आपको इंटर्नशिप 90% चांसेस होते हैं कि मिल जाती है। अच्छा, तो इसमें यह है कि आपको कोई वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई इसमें टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अनपेड इंटर्नशिप है, सैडली अनपेड है। तो इसमें बस यही है कि आपने इसको प्रोसेस को फॉलो करके आपने अप्लाई करना होता है। अगर आप अप्लाई कर देते हैं सही तरीके से, सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं कि आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। तो वो सबको इंटर्नशिप दे देते हैं क्योंकि बेसिक अनपेड है, और कुछ लोग वहाँ पे अवेले भी होते हैं तो उनको बिजी रखने के लिए वो कहते हैं कि चलो इंटर्नीज आ जाएं तो काम वगैरह कर लें। अच्छा, तो डेट्स इसमें ये होती हैं कि आपको अभी मार्च में ही स्टार्ट हो जाएंगी, वैसे तो अभी भी आप कर सकते हैं, वैसे मार्च में आप स्टार्ट कर दें ताकि वो जब आपका ये सेमेस्टर तकरीबन कंप्लीट होने वाला हो तब भी आपको वो ऑफर करें। तो कुछ वो अर्सा लेते हैं आपकी वो सारी प्रोसेस देखने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए, और देन दे विल कॉन्टेक्ट यू जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया होगा, और उसके बाद उसमें से वो आपको इसमें से ले लेंगे यहाँ पर। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होगा तो वो आपको कॉन्टेक्ट करके पूछ लेंगे कि ये मिसिंग है, आप ये दे दें, प्रोवाइड करें, वो आप प्रोवाइड करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आपको वो इंटर्नशिप ऑफर कर देते हैं। एंड देन आफ्टर 2-3 days और 1 week आप ज्वाइन कर लेते हैं उनको, ठीक है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात कर ली, डेट्स की बात कर ली। अच्छा, तो इस पे बात करते हैं कि व्हाट आई डिड इन माय इंटर्नशिप। अच्छा, बेसिकली HAT की ये अच्छी बात है कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप करवाते हैं, नॉट दैट इंटर्नशिप जिसमें बस आप गए और बस घूमे फिरे, वो कहते हैं जिस तरह के भाई घूमे फिरे, ठीक है, एंजॉय किया और मतलब टाइम वगैरह ज़ाया किया और आप आ गए, ये नहीं करते। ये बेसिकली प्रोजेक्ट इंटर्नशिप करते हैं, उनके पास कुछ ना ईयरली प्रोजेक्ट्स होते हैं HAT के पास, तो वो आप उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपना कोई आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं और फिर उसको एज ए इंटर्नशिप एज ए प्रोजेक्ट लेके चलते हैं आप उसमें इंटर्नशिप के लिए। तो मैंने ये किया था कि हमने मेरे साथ जो ग्रुपमेट थे हमने मिलके एक
आइडिया पिच किया था और फिर उन्होंने इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अल्टर करके हमें कहा था कि हाँ ठीक है इस पे प्रोजेक्ट पे आप करें। अच्छा, पहले वीक के अंदर वो आपको यही ट्राई करते हैं कि इंडस्ट्री का विजिट करवाएं और वो सारा टैंक मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपकी होती है तो वो सारा टैंक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको विजिट करवाएंगे कि टैंक कैसे बन रहा है, कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द बेस जहाँ पर आपको शीट शीट मेटल शीट होती मेटल की शीट्स होती हैं जहाँ से ये स्टार्ट होता है, फिर वेल्डिंग कैसे होती है। और इनके अंदर इनके पास एच ए टी के पास एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सी एन सी मशीन है जो 7 एक्सिस भी है, 5 एक्सिस भी है इनके पास, ठीक है, और जो टरट और इसका हल बनाती है, ये सारी पूरा मतलब टैंक बनाती है। और इनके पास 5 एक्सिस रोबोटिक आर्म्स हैं जो जो वेल्डिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो मतलब सीखने के लिए बहुत कुछ है वहाँ पर, तो वो ये सारा विजिट करवाते हैं और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, लेट्स थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके बाद। अच्छा, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो ये था बेसिकली, इसमें ये स्टेरिंग सिस्टम है। तो उसमें ये हुआ था कि जो स्टेयरिंग सिस्टम होता है ना, मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इतना पता होगा इसके बारे में, मैं ये स्टेयरिंग सिस्टम है अल खालिद टैंक का। अच्छा, ये नहीं है बेसिकली वो जो स्टेयरिंग सिस्टम होता है वो स्टिक्स बेस मैकेनिज्म पे चलता होता है कि आप जहाँ बैठते हो ना ड्राइवर सीट पे, अगर आप टैंक के अंदर जाके बैठो तो वो स्टिक मैकेनिज्म से चल रहा होता है कि आप स्टिक्स को खींचते हो, पुल करते हो और उससे जो है ना उसका वो लेफ्ट और राइट टर्न करता है। अगर मैं सिंपली में बताऊं तो जिस तरह हम वो बनाते हैं ना रोबोट, जो हम बनाते हैं लाइन फॉलोइंग रोबोट और इस तरह के जो रोबोट्स बनाते हैं, उसके अंदर जो मैकेनिज्म यूज हो रहा होता है ना कि आप एक साइड की मोटर्स को ब्रेक करते हो और एक साइड की मोटर चल रही होती है तो वो लेफ्ट टर्न कर जाता है और सिमिलरली राइट टर्न करता है, तो वो वाला मैकेनिज्म टैंक के अंदर यूज होता है। तो उसमें वो ना स्टिक मैकेनिज्म बेस्ड होता है, तो काफी लोगों को परेशानी होती है कि हम किस तरीके से चलाएं, और जो न्यू लोग आते हैं उनको समझाने में बड़ी परेशानी होती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो स्टिक मैकेनिज्म है ना आप इसको स्टीयरिंग मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो फिर ये मैंने उनको दो तीन हफ्ते लगा के सारा मैंने डिज़ाइन प्रपोज किया था उनको कि इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ये बहुत इनिशियल डिज़ाइन था, इसमें बहुत सारी इटरेशन अभी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये था कि अभी तक पाकिस्तान में इस पर काम नहीं हुआ हुआ था और ये मेरा फर्स्ट आइडिया था जो मैंने पिच किया था उनके सामने। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सक्सेसफुल रहा, फिर हमने इंटर्नशिप को कम्प्लीट किया। अच्छा, तो उसके बाद प्रोजेक्ट का हो गया। अच्छा, इसमें मैं प्रोज एंड कोर्स की बात करूं तो एक यही है कि प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप होती है और उसमें आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट करते हो, उसका सबमिशन होती है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है और फिर आप उसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर देते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर उसको ऐड किया हुआ। अच्छा, उसके बाद जो पर्पस है कि और आप स्पेंड कैसे करते हो अपनी जो इंटर्नशिप का जो टाइम पीरियड है उसको। अच्छा, एक क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे साथ ऐसे लोग भी थे जो आकर बस सॉर्ट ऑफ वेलियां मार के चले गए, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेशन वो लोग आए हुए थे और उनको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाता है, ठीक है, एंड में आपको इंटर्नशिप का, तो वो लोग वो लेके चले गए, कुछ ऐसे सीखा नहीं, कुछ ऐसे किया नहीं, बस थोड़ा बहुत करके दिखा दिया काम और वो कहते हैं ठीक है। तो इसमें आपकी सेल्फ पेस्ड आपकी इंटर्नशिप होती है इस तरह की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा कोई लोग पूछते नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारे मतलब मेरा सुपरवाइजर थे जो 19 स्केल के ऑफिसर थे वहाँ पे, तो उनके साथ हमारी अच्छी बनी हुई थी, हमने उनके साथ काम किया मिलकर और उनको सारा काम दिखाया भी ला करना, तो थोड़ी सी आपको फीलिंग आ जाती है कि अच्छा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किस तरीके से होता है। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा किस तरह होता है, क्या उनमें होते हैं उसके, तो आप अगर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो इसमें ये होता है कि आपने खुद मोटिवेट रह के अपने अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करके आपने काम करना होता है, कोई ऐसा कोई उन्होंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा हुआ होता कि भाई आपने आज किया काम किया नहीं किया, थोड़ा बहुत वो पूछ लेते हैं कि अच्छा काम आज किया नहीं किया क्या कर रहे हो, लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, लोग मतलब आके वहाँ खेलते भी हैं और मतलब सॉर्ट ऑफ सब कुछ होता है वहाँ पर, लेकिन आप पर डिपेंड करता है, सोनली आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेकर चलोगे इंटर्नशिप को, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन होगी कि आप अगर जाते हैं एचएटी के अंदर तो खुद एक प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप करें, सिर्फ विजिट्स वाली ना करें, जो आप बस वो विजिट करवाते रहें और आप रोजाना आके किसी ना किसी फैक्ट्री में जाएं और जब वो विजिट करके आप आ जाएं, यस ऐसा ना करें, प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप करें जिसमें आप कुछ आउटकम भी दिखा सकें और जब आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर और जब आप जाकर इंडस्ट्रीज को इंटरव्यूज देंगे अपने
नेक्स्ट इंटर्नशिप्स के लिए या जॉब के लिए, तो आप अच्छे तरीके से उसको बता सकें कि मैंने क्या किया था इंटर्नशिप्स के लिए। तो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि आपने कहाँ इंटर्नशिप की है, कितनी बड़ी एमएनसी में की है, क्या किया, लेकिन इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि आपने उसको काम किया किस तरीके से, और आपने टीम टीम के अंदर रह के कैसे काम किया, लीडरशिप के अंदर कैसे काम किया, ये सारी चीज़ों में लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो इंटर्नशिप हर कोई कर लेता है, लेकिन उस इंटर्नशिप में आपने किया क्या है वो उसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप करें और खुद मोटिवेट होकर, खुद डिसिप्लिन होकर उसमें काम करें। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा ये कि आपकी इंटर्नशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको मैं यही कहूँगा कि अभी जो लोग सेकेंड ईयर के अंदर हैं वो लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि आपको किस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। मेरा ज़रा ऑटोमोटिव में ज़्यादा इंटरेस्ट था, दैट्स वाई आई गोट इनटू, मैंने अप्लाई भी एचईडी में किया, थोड़ा सा मुझे टैंक्स वगैरह के बारे में भी आइडिया हो गया, किस तरह बनते हैं, क्या होता है उसमें, स्टेयरिंग सिस्टम कैसे होता है, उसकी पावर ट्रेन कैसे काम करती है, इंजन वगैरह, इससे मैं ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने उसमें इंटर्नशिप की। तो अगर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट वाली साइड पर इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा एमएनसी वाली पे इंटरेस्टेड हैं, तो यू शुड गो फॉर जो एमएनसी है, जो मैनेजमेंट टाइप जो वो इंटर्नशिप करवाते हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा आपकी जो वो बेस है वो क्या है, वो टेक्निकल बेस है या फिर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट टाइप के बंदे हैं। तो इसमें आपको डिसाइड करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप से आपको भी तो लग जाता है कि अच्छा आप बने किस चीज़ के लिए, ओके, वेदर यू, अगर मैं ये मैकेनिकल के लिए खास तौर पर बात कर रहा हूँ कि आप क्या कोई डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पर जाना चाहते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट डिजाइनिंग वाली साइड पर जाना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट वाली साइड पर जाना चाहते हैं जिसमें थोड़ी मैनेजमेंट होती है, थोड़ा टेक्निकल काम होता है, जैसे दानियाल ने और हुज़ैफ़ा ने किया हुआ है यूनिलीवर के अंदर फातिमा फर्टिलाइजर्स, उसमें सॉर्ट ऑफ मिक्स एंड मैच होता है, उसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक्सप्लोर करो कि आपका अपना किधर इंटरेस्ट है और फिर उसके मुताबिक आप अप्लाई करो। और या दैट्स इट फ्रॉम दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी, मेरा ईमेल है और मेरी ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप लिंक्डइन पे जाके सारी डिटेल्स देख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो आई जस्ट एंडेड हेयर, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आई एम वेरी ओपन टू आंसर योर क्वेश्चन। मोहम्मद अल आरिफ, यू आर एबल टू अनम्यूट योर माइक, काइंडली आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हुसैन मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद अल आरिफ फ्रॉम 43 मैकेनिकल नासीम। ऑलराइट सर, सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, बस एक क्वेश्चन, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो क्वेश्चन था कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या प्रेफर करते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को ये एचआईटी में। वैसे दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसकी कोई जीपीए कट ऑफ है कि स्पेसिफिक जीपीए के ऊपर वाले कोई कंसीडर करेंगे और फिर रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच तलहा फॉर योर क्वेश्चंस। बेसिकली पहला क्वेश्चन ये था आपका, मैं क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ। इसमें ये है कि जीपीए नहीं देखते वो लोग, ठीक है, बस आपने अप्लाई किया है तो ऑलमोस्ट 90% चांस होते हैं कि आपको मिल जाएगी, क्योंकि एक अनपेड इंटर्नशिप है, ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए, तो वो आपको मिल जाती है। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में। मैंने खुद सेकंड ईयर में इंटर्नशिप की थी और सेकंड ईयर इज़ गुड फॉर एचआईटी, ठीक है, वो उस लेवल की इंटर्नशिप नहीं करवाते कि आप थर्ड ईयर का जो अपना प्राइम आपका टाइम होता है उसके अंदर आप उसमें एचआईटी में जाएं। लोग आए हुए थे मेरे साथ, एसएमएमई के लोगों ने भी मेरे साथ इंटर्नशिप की वहाँ पर, तो वो लोग फाइनल मतलब थर्ड ईयर के बाद आए हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू डू इंटर्नशिप इन एचआईटी इन योर सेकेंड ईयर, ठीक है, तो ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर एज ए सेकेंड ईयर के बाद वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की थी, जो सेकेंड ईयर के बाद समर आता है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि मैं अपने आप को कंपेयर कर सकता था उन लोगों के साथ जो थर्ड ईयर के हैं और थर्ड ईयर के बाद मतलब इंटर्नशिप कर रहे हैं, और वेयर आई स्टैंड एंड और मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब भी आपको मौका मिले करनी चाहिए, और इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सेकेंड ईयर में ही कर लें। और हमारे साथ एक लड़का भी आया हुआ था जो फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप कर रहा था, मतलब फर्स्ट ईयर उसका कम्प्लीट हुआ हुआ था और वो इंटर्नशिप कर रहा था, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, वो मिल जाती है सबको इंटर्नशिप। सर आपने ना मैनेजमेंट के बारे में बात की थी कि जिसका मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान हो तो वो उसको प्रेफर कर सकता है, तो वो किस सेंस में है, मतलब किस सेंस में मैनेजमेंट कह रहे हैं? अच्छा, बेसिकली ये होती है, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन।
ये होता है कि अभी आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, अच्छा जिस भी ईयर में हो, इसमें ये होता है कि ना आप अभी जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे थर्ड ईयर तक, थर्ड ईयर के बाद में जाओगे, तो उसमें ये होता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि वेदर यू आर गोइंग फॉर द मैनेजमेंट टाइप और टेक्निकल जॉब। मैकेनिकल की खास तौर पर बात करूँ तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग की जॉब भी होती है जिसमें आप सॉर्ट ऑफ प्योर टेक्निकल काम कर रहे होते हैं, उसमें आप डिजाइनिंग करते हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और उसमें आप अपने प्रोडक्ट खुद के बनाकर और जो जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, स्टार्टअप बेस्ड ज्यादातर कंपनी होती है उसमें आप करते हो, तो उसमें प्योर टेक्निकल होता है, उसमें एज सच आपको मैनेज नहीं करनी होती चीजें, वो लोग बखुद ही मैनेज हो रही होती है चीजें। अच्छा, तो दूसरी ये चीज होती है कि आपको मैनेजमेंट वाली साइड में इंटरेस्ट हो, मैनेजमेंट इन अ सेंस ऑफ के आपको वहां पर थोड़े से नॉन टेक काम भी करने पड़ेंगे, मतलब रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, और जो अगर आप किसी बॉयलर वगैरह में फर्टिलाइजर्स वाली इंडस्ट्री में लगते हो तो उसमें थोड़ा ऑफ मैनेजमेंट टाइप की भी जॉब होती है, मैनेजमेंट इन अ सेंस जिस तरह आप आगे जाओगे तो MTO प्रोग्राम्स होते हैं और GTE प्रोग्राम्स होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियर्स रखते हैं वो लोग, और जिस तरह के HR के काम है, जिस तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज के काम है, लॉजिस्टिक्स के काम है, सप्लाई चेन के काम है, ये सारे सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो इसमें आपने खुद डिसाइड करना होता है कि whether you are from, मतलब आपके अंदर से पता लग जाता है कि आपको कि whether you made for the technical job, pure technical job or management type job। तो इस तरह से मतलब ये जो logistics, supply chain, ठीक है, और human resource, HR की जो jobs होती हैं, और इस तरह की जो सारी jobs है ना जिसमें ये काम होता है, ये सारा management में आता है, ठीक है। और टेक्निकल में एक GTE ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर के प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें वो आपको प्योर मैनुअल वगैरह देकर आपको काम करवाते हैं, और या फिर आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग वाली साइड पर जा सकते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट को बनाते हो और डिजाइन करते हो, ठीक है, और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, फिर उसको सेल करते हो, तो ये एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की साइड होती है। तो ये दो स्ट्रीम्स हैं, आपने खुद डिसाइड करना होता है कि कहाँ जाना चाहिए आपको, और फिर उसके बाद आप जा सकते हो। आई होप कि इट्स क्लियर योर क्वेश्चन।